नमस्कार। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जनक को फरमाते हैं कि तुम अभी और यहीं मुक्त हो, क्या ये हमारे लिए भी सत्य है? क्या हम भी अभी मुक्त हैं? और अगर नहीं तो बंधन क्या है? और अगर हाँ तो फिर इतना दुख क्यों है? बहुत ही सुंदर सवाल है, इसका जवाब मैं इस ऑडियो वीडियो में दूंगा। मिशन जीनियस माइंड से मैं संजीव मलिक। दोस्तों, अष्टावक्र गीता एक ऐसा खूबसूरत ग्रंथ है जो सभी को पढ़ना चाहिए। गीता जो श्रीमद् भागवत गीता है उससे कहीं ऊपर और कहीं बड़ी बात इसमें कह रहे हैं अष्टावक्र, जो कि सीधी सीधी आत्मा से संबंधित है। तो इसमें वो एक जगह फरमाते हैं, ना त्वम देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चरह। कि तुम देह नहीं हो, ना ही ये देह तुम्हारा है। न त्वम देहो न ते देहो, न देह तुम्हारी है न तुम देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान, ना ही तुम कर्मों का फल भोगने वाले हो और ना ही तुम कर्मों के कर्ता हो। चिद्रूपो असि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चरह। चिद्रूपो असि का मतलब है कि तुम सदा चैतन्य रूप हो, सदा से साक्षी हो, निरपेक्ष हो, यानी किसी भी तरह की अपेक्षाओं से परे हो, इसलिए सदा सुख में विचरण करो, आनंदित हो। एक बहुत ही खूबसूरत व्याख्या है। अष्टावक्र जैसे महर्षि जब कोई बात फरमा रहे हैं वो सीधी सीधी अपनी चेतना पर प्रभाव डालने वाली है। अगर आप इसका सीधा सीधा भी चिंतन करें तो इतना आनंद आपको भीतर से आएगा। आप सीधे सीधे आत्मा का साक्षात्कार करना मुश्किल नहीं है अगर आप इस बात को समझ लेते हैं। तो इसमें सीधी सीधी जो बात फरमा रहे हैं वो है, न तुम देहो न ते देहो, न तुम देहो न ही देह तुम्हारा है। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि ये जो शर्ट तुमने ऊपर से पहनी हुई है, शर्ट का मतलब यही जो देह रूपी आवरण जो ओढ़ा हुआ है, ये कपड़े ओढ़े हुए हैं। अभी हम सब ने ये गलत फहमी पाली हुई है कि ये जो शर्ट है, ये जो कुर्ता है, ये जो सूट पहना है, यानी कि शरीर रूपी कुर्ता। अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मैं ही कुर्ता हूं, या मैं ही पैंट शर्ट हूं, या मैं ही सूट हूं, या मैं साड़ी हूं, तो कितनी अजीब बात लगती है। और आप उसका मजाक उड़ाएंगे उस व्यक्ति का जो ये कहेगा कि मैं शर्ट हूं या मैं कुर्ता हूं, आप कहेंगे कितना बेवकूफ है। पर सचमुच अगर हम अष्टावक्र की भाषा से समझें तो हम भी वैसे ही बेवकूफ हैं, क्योंकि वो हमारी चेतना को सीधा सीधा देख रहे हैं और चेतना को ही निर्देश दे रहे हैं कि तुम तो इस देह के भीतर हो, तुम ये देह थोड़ी हो और ना ही ये देह तुम्हारी है, ना ही तुम इसके ये देह हो और ना ही ये देह तुम्हारी है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए नदी नाव संयोग बन गया है। अगर ऐसा ही है तो फिर कहा कि न भोक्ता कर्ता न वा भवान, ना तुम भोक्ता हो ना तुम कर्ता हो, तुम सदा चैतन्य रूप हो, तुम सदा चैतन्य रूप हो, चिद्रूपसी चिद्रूपोसी सदा साक्षी निरपेक्षम सुखम चर। तुम चिद्रूप हो, तुम चैतन्य रूप हो, सदा साक्षी हो, निरपेक्ष हो, सुखम चर, सुखी बसो, कौन तुम्हें दुखी करने वाला है? अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो क्या आज और अभी सुखी नहीं हुआ जा सकता? केवल मेरी इस वाणी को सुनने मात्र से क्या अपनी चेतना के भीतर आनंद नहीं बरसने लगा? क्या आपको अपनी चेतना के भीतर अपने उस परम आत्मा का ज्ञान नहीं होने लगा? और अगर होने लगा है तो थोड़ी ही देर में आप अपने भीतर उस परम अवस्था को फील कर पाएंगे
जो कि किसी भी बुद्ध पुरुष की होती है, जो किसी भी संत की अवस्था होती है, जो गौतम बुद्ध जी की अवस्था थी, स्वामी विवेकानंद जी की थी, स्वामी महावीर जी की थी, किसी भी रूप में आप उनकी अवस्था से अगर अपने आप को कंपेयर करें तो आप अपने आप को वही रूप पाएंगे। भीतर का साक्षी जो चैतन्य है, जो कि आकाश रूप है, वो तो सेम है ना। आकाश तत्व भी आकाश रूप जो है वो बदलता नहीं। आकाश का मतलब वो जो एम्प्टीनेस है, वो जो खालीपन है। क्या मेरा खालीपन बुद्ध के खालीपन से अलग है, या आपका खालीपन विवेकानंद जी के खालीपन से अलग है? नहीं ना, खालीपन में भी कोई फर्क हो सकता है क्या? कोई फर्क नहीं, एक जैसा है वो। बस इसी बात को समझने मात्र से आप और अभी यही मुक्त हैं। बस एक गलत फहमी पड़ गई है, थोड़ी देर के लिए समझ गड़बड़ हो गई है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, फस्यो कीर मरकट की न्याई। कि है ये जो जीव है, हमारी चेतना जो है, ये परमात्मा की अंश है और चेतन है, मल रहित है और अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सदा आनंद रूप है, सदा सुख रूप है। सो मायावश भयो गुसाई, सो मायावश, माया मतलब इल्यूजन, एक भ्रम पड़ गया है, एक गलत फहमी हो गई है। कैसी? जैसे फस्यो कीर मरकट की न्याई, ऐसे जैसे एक तोता जो कि एक खूंटी पर बैठा होता है, जो पिंजरे के अंदर होती है, उस पर उसको ये गलत फहमी हो जाती है कि इस खूंटी ने मुझे पकड़ रखा है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, एक बंदर जो कि चने के लालच में किसी सुराही में हाथ डालता है, और आपको पता हो बंदर पकड़ने वाले लोग जो हैं एक सुराही रख देते हैं, उसके अंदर चने भर देते हैं। बंदर जब सुराही में हाथ डालता है, कुछ चने बाहर बिखेर देते हैं, चनों के लालच में बंदर सुराही के भीतर हाथ डालता है। जब हाथ डालता है तब तक तो खाली होता है, जब भीतर से चने भर लेता है तो मुट्ठी में चने आ जाने के कारण मुट्ठी बड़ी हो जाती है, तो हाथ बाहर नहीं निकलता। अब अगर वो कहे कि इस सुराही ने मुझे बांध लिया है, वो बंदर कहे सुराही ने मुझे बांध लिया है, तो आप कहेंगे कि बंदर ही तो है बेवकूफ है, सुराही ने थोड़ी बांधा है, तुम्हारी मुट्ठी अगर तुम खोल दो तो अभी और यहीं मुक्त हो जाओ, अभी और यहीं तुम्हारा हाथ बाहर निकल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? बस ठीक ऐसे ही अष्टावक्र जी हमें समझा रहे हैं कि जनक क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपनी मुट्ठी को बांध रखा है, क्यों कह रहे हो कि ये मेरा है। अगर थोड़ी देर के लिए आपको भी, मैं जो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, केवल भाव मात्र करें कि ये देह आपकी नहीं है, आप इस देह में थोड़ी देर के लिए एक मेहमान मात्र हैं। आपने अगर किसी भी जगह पर विजिट किया हो, किसी होटल में ठहरे हो, तो होटल में कुछ भी अपनापन नहीं लगता, बस थोड़ी देर का खेल होता है। आपको पता है बस रात काटनी है, सुबह यहां से निकल जाना है, तो थोड़ी देर के लिए बस आप इतना ही सामान निकालते हो जितना जरूरी भर होता है, बस रात काटनी है, सुबह फिर पैक करना है, निकल जाना है, सिर्फ फ्लाइट पकड़ने तक की डिस्टेंस है, इतना ही टाइम बचा हुआ है। तो उसमें आप कितने अपने आप को समेट कर रखते हो, और होटल वालों के साथ आप थोड़ी देर मुस्कुरा के बात कर लेते हो, उसको थोड़ी टिप दे देते हो, हंस लेते हो, सारी बातें ठीक है, बस आप जानते हो कि स्टे बहुत थोड़ा है। बस ये ऐसा ही खेल अगर हम इस शरीर को मान के चले कि संसार में हमारा स्टे बहुत थोड़ा है, बस थोड़ी ही देर का खेल है कि हमें निकल लेना है यहाँ से। और जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, आप अभी और यहीं मुक्त नहीं है क्या? सोच के देखिए आपकी मुक्ति में बाधा क्या है। ये जो आप बस मुट्ठी बांध रखी है ना, यही बाधा है, यही दुख रूप है। थोड़ी देर के लिए ये जो गांठ पड़ गई है, बस यही समझ, ये जो मुट्ठी बंध गई है ना, इस मुट्ठी को खोलने मात्र की देर है। ये मुट्ठी है, मेरेपन की मुट्ठी, मेरा है,
ये देह मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये धन मेरा है, ये पति मेरा है, ये संसार मेरा है, रिश्तेदार मेरे हैं, ये मेरेपन की जो गांठ है ना, मैं और मेरापन, बस ये गांठ अगर खुल जाए तो अभी और यही मुक्त है। यही जो है हमें अष्टावक्र जी फरमा रहे हैं, ना तुम देहो ना ते देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान, चिद्रूपोसी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। अभी और यही, अभी और यही मुक्त है तू, चिद्रूपोसी। जैसे ही तू कहेगा कि मैं चैतन्य हूं, मैं सदा साक्षी हूं, मैं निरपेक्ष हूं, तू सदा अभी और यही मुक्त है, सदा सुख में जी। कौन रोकने वाला है तुझे, बस इतना ही समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने, इस बात ने आपके समझ दी होगी हमारी गलती क्या है। हम चेतना होते हुए भी यहाँ अटैच हैं, और जिस दिन चाहें, जिस वक्त चाहें, आप मुक्त हो सकते हैं। तो अभी अपने अंदर यही भाव बनाने की कोशिश कीजिए, कम से कम एक घंटा तो डेली मेडिटेशन करके अपनी चेतना में यही भाव जगाइए, और दिन में भी कई बार एक रिमाइंडर की तरह लगा लीजिए। और मन जब जब चीजों से अटैच होने लगे, मन जब जब कहे कि ये मेरा और ये पाना है और वो पाना है और यहाँ जाना है, तो उसको थोड़ी देर के लिए समझा दीजिए कि न तुम देहो न ते देहो, न ये देह तुम्हारी है न तुम देहो, तुम अभी भोक्ता करता न वा भवान, तुम न भोक्ता हो न करता हो, तुम सदा चिद्रूप हो, साक्षी हो, निरपेक्ष हो, ये जानते हुए सुख में जीवन व्यतीत करो। कौन रोकने वाला है तुम्हें। मैं उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर इसमें मिल चुका है, और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अगर ना हो समझ तो कमेंट में आप कमेंट जरूर डालें। मैं और वीडियोस की सीक्वेंस में इस चीज को और क्लियर करता जाऊंगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।